टू पॉलिनोमियल्स गिवन है एक जी एक्स एंड सेकेंड पीएक्स इसमें पीएक्स का फैक्टर बताना है कि जी एक्स जो है वो पीएक्स का फैक्टर है फर्स्ट केस माइनस टू एक्स माइनस वन जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन टू पॉलिनोमियल गिवन है फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम होती है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करके यदि हम इसमें पुट करेंगे और वो जीरो के इक्वल आ जाती है यहाँ से हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट की इसमें पुट की यदि वो वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो ये क्या बन जाएगा इसका फैक्टर बन जाएगा ये होती है फैक्टर थ्योरम लाइक पी एक्स इक्व टू टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन जी एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन यहाँ जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स की जी एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया एक्स प्लस वन किसके इक्वल हो गया जीरो वन पॉजिटिव है राइट एंड साइड सब होगा जीरो माइनस वन माइनस वन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन इस एक्स की वैल्यू को हम पी एक्स में पुट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यदि रिमाइंडर जीरो आएगा तभी ये इसका फैक्टर बनेगा इसमें वैल्यू पुट की पी माइनस वन या माइनस वन पुट करेंगे टू मल्टीप्लाई माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस की पावर यदि ओड होती है तो साइन आता है नेगेटिव और यदि माइनस वन की पावर इवन होती है वो आता है प्लस वन माइनस वन की पावर थ्री है यह आएगा माइनस वन माइनस वन की पावर टू यह आएगा प्लस वन टू इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू प्लस टू दोनों कैंसिल आउट प्लस वन माइनस वन दोनों कैंसिल आउट रिमाइंडर आ गया जीरो पी माइनस वन की वैल्यू जीरो है इसलिए रिमाइंडर भी जीरो है और रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मीनिंग कि जो जी एक्स है पोलिनोमियल वो पी एक्स का एक फैक्टर है जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स सेकेंड पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इसमें भी यही फाइंड आउट करना है कि एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं है फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या जी एक्स इक्व टू एक्स प्लस टू जी एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो ये इधर पॉजिटिव है राइट एंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू ये वैल्यू अब हम इसमें पी एक्स में पुट करेंगे यदि जीरो के इक्वल आया तब इसका फैक्टर बन जाएगा अदरवाइज नॉट वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स पी एक्स इक्व टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन वैल्यू पुट की इसमें एक्स की माइनस टू पी माइनस टू इक्व टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस टू का क्यूब करेंगे साइन आएगा नेगेटिव टू का क्यूब एट थ्री इंटू माइनस टू का स्क्र स्क्वायर है साइन पॉजिटिव टू का स्क्वायर फोर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन प्लस माइनस माइनस होता है सब किया ये आ गया माइनस फाइव माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव ये नेगेटिव वैल्यूज है ये भी नेगेटिव है दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है ऐड कर देंगे माइनस थर्टीन प्लस ट्वेल्व एज इट इज प्लस माइनस माइनस होता है सेपरेट करेंगे आएगा माइनस वन बिकॉज ग्रेटर वैल्यू है साइन नेगेटिव सो साइन नेगेटिव और यहाँ पर हमारा माइनस वन आ रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हैंस पी माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री फर्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया या एक्स माइनस थ्री किसके इक्वल हो गया जीरो ये इधर सब्ट हो रहा है राइट एंड साइड एड होगा जीरो प्लस थ्री थ्री एक्स की वैल्यू आ गई थ्री अब ये एक्स की वैल्यू हम पी एक्स में पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्स प्लस इसमें इसकी वैल्यू पुट की थ्री 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 का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री इंटू सिक्स दोनों को ऐड किया नाइन फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन माइनस माइनस थर्टी सिक्स प्लस माइनस होता है सब करेंगे minus 27, greater value के साथ, sign, negative है, इसलिए साइन नेगेटिव ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस सब्ट होगा ये आ गया जीरो पी थ्री की वैल्यू जीरो जीरो आ गई रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया इसीलिए एक्स माइनस थ्री इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यहाँ आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल में आपको k गिवन होगा उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ गिवन है कि x माइनस वन उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ऑफ पी एक्स और पॉलिनोमियल क्या गिवन है पी एक्स जिसका x माइनस वन एक फैक्टर है और उस पॉलिनोम में k गिवन है उस k की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के यहाँ लेट कर लिया जी x एक्स माइनस वन जो उसका क्या है? एक फैक्टर है फैक्टर है तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके इस पी एक्स में पुट करेंगे तो वो हमारी p a क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल क्योंकि ये इसका क्या है फैक्टर है फैक्टर तभी बनता है जब वो जीरो के इक्वल होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जी एक्स इक्व टू जीरो पुट किया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा एक्स इक्व टू वन अब हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनॉमिल में पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स पी एक्स में पुट की पी वन वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के यहाँ p1 की वैल्यू ज़ीरो होगी क्यों होगी जीरो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस वन जो एक फैक्टर है हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम फैक्टर बता रहे थे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है हम उसमें इसमें p1 p2 जो भी यहाँ पे वैल्यू थी वो वैल्यू फाइंड आउट करते थे यदि वो ज़ीरो आती थी तभी फैक्टर बनता था अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका क्या है फैक्टर है मीन्स कि ये पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी पी वन की यहाँ वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के वन प्लस वन टू प्लस के टू को इधर लेके आएंगे लेफ्ट एंड साइड सब्जेक्ट होगा जीरो माइनस टू इक्वल्स टू के जीरो माइनस टू माइनस टू इक्वल्स टू के के की वैल्यू आ गई माइनस टू सेकेंड पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एंड रूट टू यहाँ भी आपको इस पॉलिनोमियल का एक्स माइनस वन एक फैक्टर की वन है एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है मेन से एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे वो जीरो के इक्वल हो जाएगी यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की एक्स माइनस वन टू जीरो पुट कर दिया एक्स की वैल्यू आ गई वन वो इसमें पुट करेंगे पोलिनोमियल में पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स पी वन इक्वल्स टू इसमें पुट की एक्स की वैल्यू टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस एंड रूट टू यहाँ ये वैल्यू जीरो टू इंटू वन टू प्लस के इंटू वन के प्लस एंड रूट टू इस टू को लेफ्ट एंड साइड लेके आएंगे इधर एड है इधर सब होगा यहाँ प्लस एंड रूट टू है होगा माइनस रूट टू आ गया के इन दोनों में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं कॉमन लिया है बाहर। प्लस के। के की आ माइनस माइनस एंड्रूट टू एक्स प्लस वन यहाँ पोलिनोमियल गिवन है एंड यहाँ गिवन है एक्स माइनस वन इसका क्या एक फैक्टर है एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स

फैक्टर तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर क्या आता है जीरो और पी वन रिमाइंडर होता है जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू के इंटू वन के माइनस अंडरूट टू इंटू वन अंडरूट टू प्लस वन ये इधर नेगेटिव है राइट साइड लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा अंडरूट टू प्लस वन इधर आएगा नेगेटिव माइनस वन इक्वल्स टू के के की वैल्यू आ गई अंडरूट टू माइनस वन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट थ्री एक्स प्लस के इसमें भी गिवन है कि एक्स माइनस वन इसका क्या है एक फैक्टर है पोलिनोम का यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू आ गई वन अब इस एक्स की वैल्यू को इस पोलिनोम में पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स इसमें पुट करेंगे पी वन इक्व टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के पी वन की वैल्यू जीरो होगी के इन वन का स्क्वायर के माइनस थ्री इंटू वन थ्री प्लस के जीरो टू के प्लस के टू के माइनस थ्री ये इधर रहा है लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा जीरो प्लस थ्री थ्री हो जाएगा इक्वल्स टू टू के टू इधर मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा थ्री बाई टू इक्वल्स टू के के की वैल्यू आ गई थ्री बाई